बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की कुछ अहम कारोबारी खबरें लिए मैं हूं गुलशर खान और आप देख रहे हैं अपडेटेड ट्यूब। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका, बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि बिजली सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिलों में की जाएंगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और दूसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, सोने की कीमतों में आज हज़ारों रुपये की कमी हो गई है। सोने की फी तोला कीमत में आज 2400 रुपये की कमी हो गई है, जिसके बाद फी तोला सोना 2,11,800 रुपये हो गई। हाल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में 20 डॉलर की कमी हुई है, जिसके बाद सोने की फी औंस कीमत 1,948 डॉलर हो गई है। और तीसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा हो गया। मुल्क भर में आटे की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लोर मिल्स के मुताबिक सरकारी गंदम की फरामी में ताखीर के बायस आटे के दाम में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में फी मन गंदम की कीमत 200 इजाफे के बाद 4,800 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 100 रुपये मजीद बढ़कर 2,800 रुपये हो गई है। डीलर्स का कहना है कि इस इजाफे के बाद परचून में 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और दूसरी जाने पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर। निगरान सूबाई हुकूमत पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। सूबाई वजीर इतलात ने कहा है कि गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये, जबकि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। और आखिर में अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, चीनी की कीमत में 60 रुपये कमी का इम्कान। क्वेटा में ज़िली इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद शुगर डीलर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है। कमिश्नर क्वेटा ने कहा है कि डीलर्स की चीनी से लोड गाड़ियों को मुख्तलिफ नाकों पर रोक कर तंग किया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने चीनी की लोडिंग बंद कर दी। इसी तनाजर में मुतलका इदारों से रब्ता किया गया, अब ताजरों के साथ मामला तय पा गए हैं। उनका मजीद कहना था कि आइंदा चंद दिनों में चीनी की कीमत 200 रुपये से कम होकर 140 रुपये तक आ जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाजार भी लगाए जाएंगे। ये थी अभी तक की कारोबार के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स। मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके।